नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 दिसंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 8वीं-10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए एमटीएस एलडीसी के 4000 पदों पर भर्ती। ज्वाइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा ने 8वीं और 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ और लोअर डिविजनल क्लर्क के कुल मिलाकर 4000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इन पदों के लिए विज्ञापन 2 और 3 दिसंबर को ही जारी कर दिया गया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन त्रिपुरा भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट employment.tripura.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। JRBR की एलडीसी भर्ती के लिए आवेदन 19 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, जो कि 30 जनवरी तक जारी रहेंगे। आपको बता दें, इन पदों की कुल संख्या 1500 है। वहीं JRBR के लिए आवेदन 11 फरवरी तक जारी रहेंगे। वैशाली के राजा विशाल के गढ़ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। प्राचीन समय में राजा विशाल का गढ़ रहा यह स्थान आज वास्तव में एक छोटा टीला है, जिसकी परिधि 1 किलोमीटर के आसपास है। दुनिया का पहला गणराज्य कहे जाने वाला वैशाली का इसे प्राचीनतम संसद समझा जाता है। इसके चारों तरफ 2 मीटर ऊंची दीवार है और 43 मीटर चौड़ी खाई है। इस संसद में 7777 संघीय सदस्य इकट्ठा होकर समस्याओं को सुनते थे और उस पर बहस भी किया करते थे। यह भवन आज भी पर्यटकों को भारत के लोकतांत्रिक प्रथा की याद दिलाता है। बिहार में सरकारी कर्मचारी संघ का हुआ ऐलान। बिहार राज्य संयुक्त सेवा महासंघ ने लंबित प्रोन्नति के मसले पर आंदोलन करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद अगर बात नहीं बनी तो 2 दिन काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार भिक्षाटन किया जाएगा और फिर भी अगर बात नहीं बनी तो 5 फरवरी को अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। संयुक्त सेवा महासंघ के संरक्षण शशांक शेखर सेना ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि रविवार को महासंघ की बैठक हुई। इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार शिक्षा सेवा संघ, बिहार का अभियंत्रण सेवा संघ, बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ, बिहार राज्य अराजपत्रित महासंघ समेत अन्य संघों से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित हुए। बिहार में नए निकायों के गठन की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार में नए निकायों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके बाद राजधानी पटना सहित करीब 25 से अधिक जिलों ने प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेज दिया है। इनमें नए नगर पंचायत गठन क्षेत्र विस्तार और नगर पंचायतों को उच्चीकृत कर नगर परिषद बनाए जाने के प्रस्ताव शामिल है। जारी किए गए प्रस्ताव की जांच परख कर इन्हें जल्द ही कैबिनेट भेजने की तैयारी की जा रही है। राज्य में 70 से अधिक नए नगर पंचायत बनाने की तैयारी है, जबकि 20 से अधिक निकायों को अपग्रेड या क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। दैनिक आयोग के गठन प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग शनिवार रविवार के अवकाश में भी खोला गया। नए शहरी निकाय बनने के पानी, बिजली, सड़क, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बेहतर हो जाती है। वित्त आयोग से शहरी निकायों को गांव की अपेक्षा ज्यादा अंशदान मिलेगा। बिहार में किसानों को धान बेचने के लिए नहीं होगी रसीद की जरूरत। बिहार में अब किसानों को धान बेचने में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। रसीद नहीं होने पर धान की बिक्री की जा सकेगी। केवल खेत का रकबा और खाता खेसरा साइट पर डाल देना अनिवार्य होगा, जिसके बाद आप धान बेचने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। किसानों को भी शपथ पत्र साइट पर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गलत किया तो जांच में किसानों ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार धान की सरकारी खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए रोज बेहतर उपाय कर रही है। SBC की बाध्यता खत्म करने के बाद रसीद को लेकर समस्या आए तो सरकार ने इसे भी ऑप्शनल में डाल दिया है, यानी कि रसीद या LPC है तो दे दीजिए, नहीं तो तब भी कोई बात नहीं है। बिहार में कोरोना के मिले 200 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 287 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,47,531 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 113 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही खगड़िया में 14 तो वहीं जहानाबाद में 18 मामला सामने आए हैं। बिहार में आने वाले 2 दिनों में ठंड से नहीं मिलेगी कोई राहत। बिहार में ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि बिहार वासियों को फिलहाल ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार लगातार आने वाले दिनों में ठंड का असर देखने को मिलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 1-2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने के बाद फिर से उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवा का सूबे में प्रवेश होगा। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना के बारे में बात की जाए तो 2 डिग्री का बदलाव देखा गया है। वहीं आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है।
बिहार में अब जमीन के नक्शे के लिए नहीं देना होगा कोई फीस। बिहार में अब जमीन का नक्शा मुफ्त में मिलेगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई वेबसाइट जारी कर दी है। इस विभाग के अधीन भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जय सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। पहले डिजिटल मापक प्लॉटर मशीन से प्रतिरक्षा 150 में उपलब्ध कराए जा रहे थे। हालांकि अब भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट irc.bihar.nic.in के अलावा और भी वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in लॉन्च किया गया है। इसमें सर्वे से संबंधित सारी जानकारी पत्र और सूचनाएं उपलब्ध है। सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रपत्र भी मौजूद है। 60 वर्ष के किसानों को अब बिहार में मिलेगा पेंशन। केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के किसानों की मदद के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 7 साल के बाद किसानों को 3000 पेंशन के रूप में देने की योजना बनाई गई है। इस योजना का फंड भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मैनेज किया जाएगा। इसको लेकर जिला कृषि पदाधिकारी ललिता प्रसाद ने जानकारी दी और बताया है कि इस योजना से प्रत्येक किसान को जोड़ा जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा रहा है। इस योजना के जिन किसानों की उम्र 18 से 40 साल की है उन्हें इसका लाभ मिल पाएगा। नियमानुसार 60 साल की आयु पूरी होने के बाद किसानों को आजीवन प्रतिमाह 3000 पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रतन सिंह राजपूत की। रतन सिंह राजपूत का जन्म 20 अप्रैल 1990 में बिहार में हुआ था। उन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत जी टीवी पर प्रसारित होने वाले एक सीरियल अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो से की थी। इसमें उन्होंने ललिया नाम के एक ऐसे किरदार को निभाया था जिसे उसके माँ बाप बेच देते हैं। ललिया के रूप में रतन राजपूत बेहद चर्चित हुई। इसके बाद राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी की रुचि शर्मा के रूप में भी कामयाबी हासिल की और इस तरह टीवी की जानी पहचानी हस्ती बन गई। बिजली उपभोक्ता हो जाए सावधान। बिजली उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार विद्युत बिल का समय पर भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर लगातार कार्रवाई करते हुए उनका कनेक्शन काटा जा रहा है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा बिल का भुगतान नहीं करने वालों और बिजली की चोरी करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। सहायक विद्युत अभियंता शहरी रजत कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि पिछले 2 महीने में करीब 672 उपभोक्ताओं का कनेक्शन बिल बकाया रहने के कारण काटा गया है। नवंबर में 328 तो वहीं दिसंबर महीने में अब तक 344 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा गया है। 90,000 प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में आया बड़ा अड़ंगा। राज्यों के अंदर लगभग 90,000 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य में फिलहाल 1500 से ज्यादा नियोजन इकाइयों ने अब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। राज्य के अंदर कुल 8600 से अधिक नियोजन इकाइयां मौजूद है। इन सभी को मेरिट लिस्ट का प्रकाशन करना था लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में अगर देरी होती है तो नियोजन पत्र दिए जाने का शेड्यूल लटक सकता है। अगर नियोजन पत्र बांटे जाने में देरी हुई तो फिर काउंसलिंग का प्रोसेस भी लंबा खिंचेगा। को बता दें प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के पूरे होने का इंतजार बिहार के लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों को है। जिन जिलों में नियोजन के लिए मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है उसमें पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद समेत कई जिलों के नाम शामिल है। पंकज त्रिपाठी ने स्टार की छवि के अनुरूप आचरण नहीं करने की कही बात। बिहार से निकले अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में अपना बयान जारी किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि फिल्म जगत में उन्हें मिली कामयाबी से उनकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो असल जीवन में स्टारडम का अभिनय नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो अनुभव पर्दे पर लेने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। अभिनेता के लिए 2020 का साल हालांकि कामयाबी भरा रहा। उन्होंने गुंजन सक्सेना फिल्म में संवेदनशील अभिनय किया है जबकि मिर्जापुर सीजन 2 में भी कालीन भैया का किरदार शानदार तरीके से निभाया है। इसके अलावा अनुराग बसु की लूडो में सत्तू के भूमिका में उन्हें काफी चर्चा मिली है जिसके बाद अब पंकज त्रिपाठी शकीला में दिखने वाले हैं जो वयस्क अभिनेता के जीवन पर आधारित है। वीआईपी सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। बिहार में वीआईपी सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है जिसके तहत अब सुरक्षा कर्मियों का फिट रहना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही बिहार के सिक्योरिटी में तैनात होने के बावजूद जो सुरक्षा कर्मी जैसे तैसे ड्यूटी निभा रहे थे उन्हें अब चुस्त दुरुस्त रहने का निर्देश दिया गया है। मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश और अधिकारी समेत अन्य वीआईपी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी या फिर सुरक्षा अधिकारियों को लेकर अब यह नई गाइडलाइन जारी की गई है। ना ही नहीं वीआईपी सुरक्षा के दौरान पुलिसकर्मियों को उच्च कोटि का आचरण दिखाना होगा। आईजी सुरक्षा की तरफ से जिला और इकाई के एसपी को पत्र लिखा गया है जिसमें सभी सुरक्षा कर्मियों को अनुशासन, रक्षा चरण और उच्च कोटि की सतर्कता बनाए रखने की नसीहत दी गई है।
स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में पहली बार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हुए शामिल। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक हुई। पटना के अधिवेशन भवन में उप मुख्यमंत्री और बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद पहली बार इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आए। इस बैठक में स्टेट लेवल पंकज के प्रतिनिधि और बिहार सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के पदाधिकारी और वित्त विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में बिहार सरकार की तरफ से 7 निश्चय पार्ट 2 की योजनाओं में रोजगार सृजन को लेकर सरकार की नई नीतियों में बैंकों की भूमिका पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सरकार ने बिहार में 20 लाख रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। प्रशांत किशोर ने बंगाल चुनाव को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने चुनाव में भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हमारे इस ट्वीट को सेव करके रखिए। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि भाजपा चुनावी नतीजों में दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि मीडिया के समर्थित पक्ष द्वारा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, अगर भाजपा अच्छा करती है तो मैं यह काम छोड़ दूंगा। तेजस्वी यादव ने की बड़ी भविष्यवाणी। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राजद ने बीते दिन समीक्षा बैठक बुलाई थी। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस समीक्षा बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सभी जीतने और हारे हुए उम्मीदवार के अलावा सभी जिला के जिला अध्यक्ष महासचिवों ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर सभी बड़े नेताओं ने अपने विचार रखे हैं। वहीं इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी भविष्यवाणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगले साल यानी कि 2021 में फिर से चुनाव हो सकते हैं। राजद के हार की समीक्षा के दौरान वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर कही अपनी बात। बीते दिन राजद को विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समीक्षा बैठक का आयोजन करवाया गया था। वहीं आयोजित इस बैठक में सभी नेताओं ने हार के मुख्य कारण को साझा किया है। इसी क्रम में बैठक में शामिल होने पहुंची राजद पार्टी की प्रत्याशी और परिहार से चुनाव लड़ने वाली ऋतु जायसवाल ने कहा कि यह बैठक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बात की समीक्षा जरूरी है कि किन कारणों से हम पीछे रह गए। इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाया है। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हार का ठीकरा पार्टी के पोलिंग एजेंट पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि हार जीत का अंतर 10 से 20 हजार बताया जा रहा है, यह अंतर मॉक पोल के नतीजों पर निर्भर था। जदयू नेता ने प्रशांत किशोर के संन्यास की कही बात। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से जारी है, वहीं इसी बीच बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इन्हीं तैयारियों के बीच नेता सह प्रवक्ता अजय आलोक ने हाल ही में अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर की संन्यास की तैयारी करके रख लीजिए, अब आपकी कहानी खत्म होने को है, अब आपके पास उपाय भी क्या बचेगा भाई। अब देखिए, भाजपा ने निकाल दिया, जदयू ने निकाल दिया, कांग्रेस ने निकाल दिया, डीएमके ने भी निकाल दिया, तो ममता दीदी हार के बाद आरती उतार कर माला तो नहीं ही जपेंगी, निकालेंगी ही। इसलिए बेहतर है कि पहले से ही संन्यास की घोषणा करके रखिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि आज के दिन कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। 1947 में आज ही के दिन पहला व्यावहारिक रेडियो प्रदर्शित किया गया था। 1940 में आज ही के दिन प्रख्यात सामाजिक विचारक मानवेंद्र नाथ रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के गठन की घोषणा की थी। 2006 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान ने स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया था। 1887 में आज ही के दिन श्रीनिवास रामानुजम प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ का जन्म हुआ था। वहीं 1958 में आज ही के दिन तारकनाथ दास, जो कि भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे, उन्होंने आखिरी सांस ली थी। सोनू सूद के नाम पर बना मंदिर। कोरोना के माहौल में सोनू सूद आम लोगों के मसीहा बनकर सामने आए थे, वहीं अब लोगों का प्यार भी सोनू सूद के लिए साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में सोनू सूद के नाम पर एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया है। मंदिर सिद्धि पेट के डब्बा टंडा गांव में बनाया गया था। इसी बीच स्थानीय लोगों को सोनू सूद की आरती करते देखा गया, उन्होंने मंदिर में जय हो सोनू सूद के नारे भी लगाए। आपको बता दें, इस मंदिर का निर्माण लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद के लोगों की मदद करने के बाद किया गया था। कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने कई प्रवासी श्रमिकों की मदद की थी। सोनू सूद ने विभिन्न राज्यों में प्रवासियों को उनके गृहनगर पहुंचने में काफी मदद की थी। गिलक्रिस्ट ने टीम इंडिया के बैकफुट पर रहने की बताई वजह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। बल्लेबाजों के शर्मनाक प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम दूसरी पारी में 9 विकेट गंवाकर केवल 36 रन बनाने में ही कामयाब हो सकी थी। वहीं अब टीम के इस खराब प्रदर्शन को लेकर पूर्व विकेटकीपर
बल्लेबाज गिलक्रिस्ट ने कहा है कि पृथ्वी शॉ के प्रदर्शन ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था। दोनों ही पारियों में पृथ्वी शॉ के जल्दी आउट होने की वजह से टीम इंडिया बैकफुट पर रही थी। फ्लिपकार्ट के फेस्टिवल सेल में हैकर्स ने बनाया खरीदारों को निशाना। चीन के हैकिंग ग्रुप्स भारतीयों पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में एक नया मामला अब सामने आया है जिसके पीछे चीन के हैकर्स का हाथ बताया जा रहा है। साझा किए गए नए रिपोर्ट के अनुसार चीन के गुआंगडोंग और हेनान के हैकर्स ने फ्लिपकार्ट फेस्टिव सीजन सेल्स के दौरान भारत के ऑनलाइन शॉपर्स को निशाने पर लिया है। नई दिल्ली के साइबर पीस फाउंडेशन ने बताया है कि फ्लिपकार्ट ने अक्टूबर में अपने बिग बिलियन डे सेल की घोषणा की थी। चाइनीज हैकर्स ने मौका देखकर स्पिन द लकी व्हील नाम के स्कैम से ऑनलाइन खरीदारों को टारगेट किया था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 14 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,370 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,370 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 70,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.32 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। आर ब्लॉक के गांव सड़क को जोड़ने के लिए बनेगा नया रोड मैप। आर ब्लॉक के पास बने फ्लाईओवर से आर ब्लॉक दीघा वाली सड़क को जोड़ने के लिए 400 मीटर का रोड मैप बनाया जाएगा। रैंप बनने से जीपीओ आर ब्लॉक फ्लाईओवर से सीधे आर ब्लॉक दीघा नई सड़क पर जा सकेंगे। आर ब्लॉक से दीघा जाने वाले लोगों को और ज्यादा सहूलियत होगी और रैंप बनने के लिए डीपीआर तैयार हो रही है। इसके निर्माण पर लगभग 20 करोड़ खर्च होने की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 नवंबर को एम्स दीघा एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था। इसके बाद आर ब्लॉक दीघा सड़क का निरीक्षण भी किया था। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने आर ब्लॉक दीघा सड़क को आर ब्लॉक के पास बने फ्लाईओवर से कनेक्ट करने के लिए भी निर्देश दिया था। इसके बाद ही पुल निर्माण निगम की तरफ से इस पर काम शुरू हो गया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है हंसलाल कुमार, दिलीप कुमार यादव, सोनू कुमार, बलराम कुमार, सिकेंद्र कुमार यादव, प्रिय रंजन कुमार, रविन्द्र कुमार, जीत राज, शबनम गुप्ता, रोहित झा, असलम राज, गौरव पटेल, श्वेता रॉय, प्रदीप, नितिन कुमार, पप्पू कुमार, अजीत कुमार, आर्यन, सियाराम कुमार, शिवशंकर पांडे, राजकिशोर कुमार, प्रमोद यादव, रौनक परवीन। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की साल 2021 में चुनाव के दोबारा आयोजन की भविष्यवाणी सही साबित होगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।